आप लोगों ने ये वर्ड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बार बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में पढ़े होंगे। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, थोड़ा मैं समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ स्कूल। अब स्कूल का मेन मकसद क्या है बताओ? टीचिंग करना। तो टीचिंग करना इज द मेन मकसद। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, कुछ आसान अल्फाजों में बताऊँ कैश सरप्लस हो या एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, अब उस एक्स्ट्रा पैसे को मैं आगे इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा स्कूल फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग खरीद लेता है और उसको रेंट आउट कर देता है। अब वहाँ से रेंटल इनकम आ रही है। अब ये सारा प्रोसेस जो बिल्डिंग खरीदना, ये मेरा मेन मकसद नहीं था, मेन मकसद वॉज अ टीचिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने इन्वेस्ट किया तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज इट वॉज नॉट माई ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वॉज टीचिंग और ये है इन्वेस्टिंग। अब अज्यूम करो कि तुम्हारे पास पैसों की कमी हो गई और अब तुमको पैसों की जरूरत पड़ गई। तुम बैंक्स गए, तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गए, लेंडर्स के पास गए, तुमने कहा मुझे लोन चाहिए, तो अदर पार्टी से तुमने लोन लिया, कैश अरेंज किया। क्यों? सो दैट यू कैन फाइनेंस योर सेल्फ। अब तुमको पैसों की जरूरत है, तुम इन्वेस्ट करने के काबिल नहीं, बल्कि तुमको खुद को पैसों की जरूरत पड़ गई। दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों एक्टिविटीज को समझना बहुत जरूरी है। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। भाई को दो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।